असलम स्टूडेंट्स आज हमारा लेक्चर नंबर अलेवन है और आज हम फॉर्मली अपना यू एम एल को स्टार्ट कर रहे हैं यू एम एल स्टैंड फॉर यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज इट इज़ नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आल्के हम इससे पहले यू एम एल की कुछ चीज़ों को पहले से ही हमने स्टार्ट कर दिया हुआ है जैसे हमने डोमेन मॉडल जो है वो हमने बनाया था दिस इज़ ए पार्ट ऑफ़ यू एम एल इसके अलावा हमने यूज केस जो है उसकी राइटिंग भी हमने सीखी थी और उसको हमने डिटेल से डिस्कस किया था दिस इज़ आल्सो ए पार्ट ऑफ़ यू एम एल और आज हमारे ऑबजेक्ट object, दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम ये इन्वेस्टिगेट करेंगे कि यू एम एल को मीन्स के यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज को हमें अप्लाई करने की क्यों जरूरत पेश आई जबकि हमारे पास दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस तो थी जैसे हमारे पास सी प्लस प्लस है और हमारे पास जावा है सी शार्प है हमारे पास और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं लेकिन हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से हट के एक नई लैंग्वेज जिसको हम यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज कहते हैं इसकी क्यों ज़रूरत पेश आई और हमारा थर्ड ऑब्जेक्टिव ये है कि हमने जो लास्ट टाइम जो प्रीवियस लेक्चर में यूज़ केस बनाया था जिसकी हमने राइटिंग की थी और डिटेल से हमने उसको पॉइंट वाइज हमने लिखा था तो हम उसकी डायग्राम कैसे जो है वो बना सकते हैं इसके अलावा हमारा लास्ट जो ऑब्जेक्टिव होगा वो ये होगा कि सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम हम कैसे बनाते हैं तो ये हमारे फोर ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसको आज हम जो है वो डिटेल से डिस्कस करेंगे तो आज से हम जो हम बुक को फॉलो करेंगे वो है अप्लाइंग यूएमएल एंड पैटर्न्स ये ऑलरेडी मैंने पहले से जो है वो अपलोड कर दी हुई है लेकिन स्टूडेंट्स अभी जो लेक्चर्स हम यूएमएल के स्टार्ट करने जा रहे हैं इससे पहले स्टूडेंट्स की डोमेन मॉडल के ऊपर और यूज़ केस डायग्राम के ऊपर या यूज़ केसेस के ऊपर बहुत ज़्यादा ग्रिप होनी चाहिए क्योंकि अगर आपने उसको एक दफ़ा थॉरली अगर उसको आपने पढ़ लिया हुआ है या देख लिया हुआ है तो आपके लिए आसान होगा आज के लेक्चर को को अंडरस्टैंड करना क्योंकि आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा लिंक करता है प्रीवियस हमारे जो दो लेक्चर्स गए हैं लेक्चर नंबर नाइन और लेक्चर नंबर टेन उसको आप पहले से अच्छे तरीके से एक दफ़ा गो थ्रू कर लीजिएगा फिर इसको समझना बहुत आसान हो जाएगा क्योंकि जो लेक्चर नंबर नाइन है और टेन है दिस इज़ द फाउंडेशन ऑफ दिस लेक्चर तो स्टार्ट करते हैं हमारी uh, जो यू की सेकेंड एडिशन की जो बुक है सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि सॉफ्टवेयर uh, में ब्लूप्रिंट्स क्या होते हैं अगर ब्लू ब्लूप्रिंट प्रिंट का अगर हम अगर इसकी मीनिंग देखें तो इसकी मीनिंग आती है गाइडलाइंस टू मेक समथिंग इसको हम डिज़ाइन भी कह देते हैं इसको पैटर्न भी कह देते हैं ये हमारा एक बेंचमार्क भी हो सकता है कि इस तरह का सॉफ्टवेयर होना चाहिए नोइंग एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस एंड हैविंग एक्सेस टू ए लाइब्रेरी इज़ नेसेसरी बट नॉट सफिशेंट इन ऑर्डर टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट सॉफ्टवेयर्स तो हमारी जो अभी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस हैं जैसे सी प्लस प्लस है हमारे पास जावा है ये ऐसी और सी शाप है ये ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो कि जिनको हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस कहते हैं लेकिन जब हम एक सॉफ्टवेयर का ब्लू जो है उसको फॉलो करते हैं उसको बनाते हैं तो ये जितनी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस होती हैं ये सफिशेंट नहीं होती एक बहुत अच्छा जो है जो हमने सॉफ्टवेयर बनाना है उसके लिए सफिशेंट नहीं होती इन बिटवीन ए नाइस आइडिया एंड ए वर्किंग सॉफ्टवेयर देर इज़ मच मोर देन प्रोग्रामिंग तो प्रोग्रामिंग से हट के भी हमें कुछ और इसमें चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी ताकि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो एक आ, आ, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो और हम फ्यूचरिस्टिक एनालिसिस उसका कर सकें कि अब हम ये सॉफ्टवेयर बना के इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो आफ्टर टू ईयर्स या थ्री ईयर्स इस सॉफ्टवेयर में कितनी चेंजेस आ सकती हैं और हम उनको कैसे इनकोपरेट कर सकते हैं और हमारे सॉफ्टवेयर में कितनी फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है कि जितनी भी हमारे पास नई रिक्वायरमेंट्स हों उसको आसानी से हम इंटीग्रेट कर दें एनालिसिस एंड डिज़ाइन प्रोवाइड द सॉफ्टवेयर ब्लू एलिस्ट्रिएटेड बाई ए मॉडलिंग लैंग्वेज लाइक द यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज जिसको हम यू एम एल बोलते हैं तो यू एम एल हमें एनालिसिस uh, और डिज़ाइन प्रोवाइड करती है आगे एक बहुत अच्छी डाइग्राम है वहाँ से आपको काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि एनालिसिस और डिज़ाइन के बाद हम कोडिंग के ऊपर किस तरीके से शिफ्ट होते हैं ब्लू प्रिंट्स सर्व एज ए टूल फॉर टॉट एंड एज ए फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन विद अदर्स तो हमारे पास ये जो ब्लू प्रिंट्स हैं जो कि हमें यू एम एल प्रोवाइड करेगा ये बहुत अच्छे टूल्स हैं जैसे हम एक पर्सन से दूसरे पर्सन के साथ कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ द प्रॉब्लम रादर दैन हाउ अल्यूशन इज डिफाइंड तो हमने प्रॉब्लम uh, को इन्वेस्टिगेट करना है कि प्रॉब्लम uh, एक्चुअल है क्या बजाय के हम फौरी तौर पे उसका सलूशन निकालें हम सबसे पहले प्रॉब्लम को इन्वेस्टिगेट करते हैं स्पेशली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस में ड्यूरिंग द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस देर इज़ एन इम्फेसिस ऑन फाइंडिंग एंड डिस्क्राइबिंग द ऑब्जेक्ट्स तो हमारा जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस होता है उसमें हम हमारा जो फोकस होता है वो हम ऑब्जेक्ट्स को जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं और उसको डिस्क्राइब करते हैं उस डोमेन में कि वो ऑब्जेक्ट क्या, क्या क्या कर सकता है फॉर एग्जांपल कॉन्सेप्ट इन अ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सिस्टम इंक्लूडिंग बुक एंड लाइब्रेरी अगर हम कॉन्सेपच्चुअल क्लासेस या कॉन्सेप्ट देखें लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सिस्टम में तो हमारे पास बुक होती है हमारे पास लाइब्रेरी का एक कॉन्सेप्ट होता है इसके अलावा हमारे पास वहाँ पर कोई एडमन का भी कॉन्सेप्ट हो सकता है टैगिंग का हो सकता है इसके अलावा हमारे पास एक लिस्ट हो सकती है दीज आर द कॉन्सेप्ट अगर हम लाइब्रेरी से रिलेटेड अगर कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं और उसका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस करते हैं तो ये हमारे कॉन्सेप्ट जो है ना वो हम आइडेंटिफाई करते हैं इम्फेसाइज ए कॉन्सेपचुअल सोल्यूशन दैट फुलफिल्स द रिक्वायरमेंट तो जब हम कॉन्सेप्चुअली सोल्यूशन देते हैं कॉन्सेप्ट हमने वैसे भी डोमेन मॉडल में हमने डिटेल से देखा था जितने भी हमारे नाउनस होते हैं वो हमारे कॉन्सेप्ट कहलाते हैं वो हमारी क्लासेस कहलाती हैं वो हमारे ऑब्जेक्ट्स कहलाती हैं तो हमारा जो इंफेसिस होता है वो कॉन्सेपचुअल सोल्यूशन के ऊपर होता है इनिशियल फेज में नीड टू डिफाइन द सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट्स एंड हाउ दे आर कोलेबरेट टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स तो इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो सॉफ्टवेयर के ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ कैसे कोलेबरेट करते हैं हमारी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं रिक्वायरमेंट्स भी हमने दो टाइप्स की पढ़ी थी एक फंक्शनल रिक्वायरमेंट होती है एक नॉन फंक्शनल होती है तो हमारी जो रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपस में कैसे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे फॉर एग्जाम्पल इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सिस्टम अ बुक सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट मे हैव ए टाइटल एट्रीब्यूट एंड ए गेट चैप्टर मैथड तो दिस इज इम्पॉर्टेंट कि जब हम एक डोमेन में जैसे लाइब्रेरी की डोमेन है उसमें हमें नाउन का एक कॉन्सेप्ट मिला तो नाउन एक क्लास हो गई आ, आ, इस क्लास के अंदर एट्रीब्यूट टाइटल का हो सकता है और इसमें एक मेथड जो है वो गेट चैप्टर का हो सकता है तो ये हमारे पास एक कॉन्सेप्चुअली कोलेब्रेशन है कि कॉन्सेप्ट के लिहाज से हम किस तरीके से प्रॉब्लम का सलूशन दे सकते हैं डिज़ाइंस आर इम्प्लीमेंटेड इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस डायग्राम से आपको काफ़ी अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो हो जाएगी लास्ट टाइम हमने आ, हमारे पास आए थे फेजेस ऑफ़ यूनिफाइड प्रोसेस ये हमारा एक प्रोसेस मॉडल है जो हमने इनिशियल लेक्चर्स में डिटेल से हमने इसको देखा था अगर हम इसको देखें तो हमारे पास यूनिफाइड प्रोसेस जो मॉडल है उसके हमारे पास इस वक्त पांच फेजेस हैं आ, ये तो हमारे ट्रेडिशनल फेजेस हैं कम्युनिकेशन हो गया प्लानिंग हो गया मॉडलिंग हो गया कंस्ट्रक्शन डिप्लॉयमेंट ये हमारे ट्रेडिशनल आ, जो सॉफ्टवेयर के सॉफ्टवेयर सौफ, डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है जिसके हमारे टास्क हैं तो यूनिफाइड प्रोसेस मॉडल में हमने देखा था कि कम्युनिकेशन और प्लानिंग को मिला के हमने इंसेप्शन कह दिया था और इसके अलावा प्लानिंग और मॉडलिंग को मिला के एलेबोरेशन बोला था और कंस्ट्रक्शन को हमने जो है उसकी ट्रांजिशन की थी डिप्लॉयमेंट में और आखिर में जो हमारे पास सॉफ्टवेयर की रिलीज़ आई थी उसको हमने प्रोडक्शन बोला था तो हमने अभी तक तो ये बात की है कि हम कस्टमर के साथ कम्युनिकेशन करेंगे प्लानिंग करेंगे और मॉडलिंग करेंगे अब यहाँ पर हम मैं उस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर जो है वो डिटेल से एड्रेस करूँगा उस क्वेश्चन को कि जिसमें हम ये जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं कि हमें यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज की ज़रूरत क्यों पेश आई जबकि दूसरी लैंग्वेज़ ऑलरेडी अवेलेबल थी हमें प्रॉब्लम के सोल्यूशन भी दे रहे थे लेकिन ये एक ख़ास किस्म की जो मॉडलिंग लैंग्वेज है हमारी कैसे हेल्प करेगी तो आप यहाँ से देख लें कम्युनिकेशन प्लानिंग और मॉडलिंग सिर्फ हमने यही सुना हुआ है लेकिन इस डायग्राम की मदद से आपको पता लग जाएगा कि हम किस तरीके से एनालिसिस से डिज़ाइन में जाते हैं और फिर हम कोडिंग की तरफ जाते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल हम हमने हमें एक ऑर्डर मिला है जिसमें हमने जो है वो एक सॉफ्टवेयर बनाना है एक लाइब्रेरी सिस्टम लाइब्रेरी सिस्टम क्या होता है कि पर्सनस आते हैं और उनको अगर कोई बुक की ज़रूरत होती है तो ये हमारा सॉफ्टवेयर हेल्प करेगा उस बुक को आइडेंटिफाई करने के लिए कि वो बुक जो है वो किस शेल्फ में अवेलेबल है तो वो हमारा सॉफ्टवेयर बताएगा और अगर वो इशू हुई हुई है तो किस पर्सन को इशू हुई हुई है उसकी ड्यू डेट क्या है हमारी इन्वेंट्री में कितनी बुक्स पड़ी हुई हैं और इसकी तमाम डिटेल जो है वो हमारा एक सॉफ़्टवेयर बनाएगा तो हम एक सॉफ़्टवेयर बनाने जा रहे हैं तो हम सबसे पहले कम्युनिकेशन करेंगे कि किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है तो जब हमने कम्युनिकेशन की उसके बाद कम्युनिकेशन करने के बाद जब हम एनालिसिस करते हैं उस प्रॉब्लम को हम इन्वेस्टिगेट करते हैं तो हमें पता लगता है कि हमारी डोमेन के अंदर एक जो है बुक वो एक कॉन्सेप्ट है और कॉन्सेप्ट को हमने कहा था कि दिस इज़ अ अ क्लास और कॉन्सेप्ट हम कब आइडेंटिफाई करते हैं जब हमारा हम डोमेन मॉडल बना रहे होते हैं तो डोमेन मॉडल हमने लास्ट लेक्चर में डिटेल से हमने देखा था और ये आपकी पेपर का पार्ट भी है मिड टर्म के पेपर का तो उसमें आपने देखा था कि हमने जो हमारे पास नाउन्स थे हमने उनको कॉन्सेपचुअल क्लासेस कही थी तो एनालिसिस में हमें पता लगता है कि एक बुक का एक कॉन्सेप्ट है ये एक क्लास हमने आइडेंटिफाई कर ली थ्रू डोमेन मॉडल के अब ये जो क्लास है वो हम हम जब एनालिसिस से जब उसका डिज़ाइन बनाएंगे तो वो कुछ इस तरीके से हमारी क्लास बनेगी ये जो पहला पार्ट है वो क्लास का नेम आ जाएगा जैसे बुक है ये बुक का नाम आ गया फिर हमने डोमेन मॉडल में पढ़ा था कि हर कॉन्सेप्ट का जो है उसके कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं उसकी एक्स्ट्रा जो है वो हमारे पास होती हैं कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं तो बुक uh, की अगर हम uh, देखें कि हमारे एट्रीब्यूट कौन सी हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बुक का एट्रीब्यूट है टाइटल और साथ हमने कहा था कि जब एक uh, हमारे पास एट्रीब्यूट uh, आता है तो एट्रीब्यूट का नाम आता है और उसकी डाटा टाइप हमें डिफाइन करनी पड़ती है तो ये एट्रीब्यूट का नाम आ गया ये उसकी डेटा टाइप आ गई डाटा टाइप उसकी हमने स्ट्रिंग जो है डिफाइन uh, कर दी तीसरी और एक और ऑप्शन होती है डिज़ाइन फेज में हम आ, उसकी इनिशियल वैल्यू भी जो है वो मेंशन कर सकते हैं तो इनिशियल वैल्यू जो है वो आ, जो है वो आ, आप ये ऑप्शनल होती है और आप इसको आप कर भी सकते हैं आप उसको नहीं भी कर सकते तो ये डिपेंड करता है आपकी लॉजिक के ऊपर कि आप उसको किस तरीके से जो है वो यहाँ पर मेंशन करते हैं तो ये हमारा एक कॉन्सेप्ट है बुक ये हमारे एट्रीब्यूट्स हो गए और एक और जो चीज़ आती है जिसको हम कहते हैं मेथड मेथड जो है वो आपका फंक्शन हो सकता है फंक्शन का नाम जो है वो प्रिंट इसमें हमने आइडेंटिफाई किया ये किस में हमने आइडेंटिफाई किया ये डिज़ाइन फेज में हमने आइडेंटिफाई किया तो ये हमारे पास एक कॉन्सेपचुअल क्लास बन गई डिज़ाइन फेज़ में कंसेपचुअल क्लास की हमारे पास जो है वो उसकी नेमिंग कन्वेंशन आ गई उसके एट्रीब्यूट्स की डिटेल आ गई और उसके साथ ही हमने उसका मेथड डिफाइन कर दिया अब ये जो हमारा डिज़ाइन फेज़ है ये डिज़ाइन फेज़ बेसिकली हमारे पास एक जो नेक्स्ट फेज़ है जिसको हम कोडिंग कहते हैं हमारे प्रोग्रामर के पास ये फेज़ जाता है अब प्रोग्रामर जो है वो जब कि किसी क्लास को डिफ़ाइन करेगा तो वो अपने पास से तो डिफ़ाइन नहीं करेगा उसको जो डिज़ाइन फेज से जो चीज़ें मिलेंगी उसको वो इम्प्लीमेंट करेगा तो अब आप ये देखें ये जो डिज़ाइन फेज़ है वो कोडिंग में किस तरीके से कन्वर्ट हो रहा है कि जी अगर हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो है अगर डिफ़ाइन करें अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर इसको डिफ़ाइन करते हैं बुक को बुक की क्लास कैसे डिफ़ाइन होती है सबसे पहले विजिबिलिटी मॉडिफायर होता है क्लास का नाम होता है फिर उस क्लास ये क्लास का की होता है उसके बाद उसका नाम रखा जाता है तो पब्लिक क्लास बुक और उसके बाद फिर हम उसके एट्रीब्यूट को या मेथड को डिफ़ाइन कर देते हैं तो यूएमएल हमें ये प्रोवाइड करता है कि आप एनालिसिस कैसे करते हैं उसका फिर डिज़ाइन कैसे करते हैं फिर इसका एक स्केलेटन बना के हम क्योंकि बहुत ज़्यादा टूल्स अवेलेबल हैं कि आपके डिज़ाइन को वो ऑटोमेटिकली जो है वो कोड में ट्रांसफ़र कर देते हैं लेकिन वो कोड जो है वो फुली तौर पर इम्प्लीमेंट तो नहीं होता लेकिन वो एक स्केलेटन होता है जैसे ये एक स्केलेटन है अभी ये प्रिंट किस तरीके से इम्प्लीमेंट हुआ हुआ है ये अभी इसमें डिफाइन होना है ये किसकी जिम्मेदारी होगी ये एक प्रोग्रामर की रिस्पॉानसिबिलिटी होगी कि वो किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करता है तो ये जो हमने फेजेस पढ़े थे कि कम्युनिकेशन से हमने प्लानिंग में आना है प्लानिंग से मॉडलिंग में और ये हमारे पास कंस्ट्रक्शन होगी तो यूएमएल हमें ये चीज़ें प्रोवाइड करता है कि आप एनालिसिस से कैसे डिज़ाइन में आएंगे और फिर आप कोडिंग की तरफ कैसे आएंगे तो ये हमारा जो है वो यू है इसकी जो है इसकी नेक्स्ट फेज़ में हम जो है आ, आते हैं इंसेप्शन फ़ेज़ पे तो इंसेप्शन फ़ेज़ में अब हम डिटेल से देखते हैं कि हमारा इंसेप्शन फ़ेज़ है इसमें हम डिटेल से देखते हैं कि इस इस इंसेप्शन फ़ेज़ में हमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी तो इंसेप्शन फेज़ में ए नंबर ऑफ क्वेश्चन नीड टू बी एक्सप्लोर्ड कौन कौन से क्वेश्चन हमने एड्रेस करने हैं वट इज़ द विज़न एंड बिजनेस केयर फॉर दिस प्रोजेक्ट तो ये जो हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं हम बनाना चाहते हैं या जो सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं इसका विजन क्या है कि ये सॉफ्टवेयर अगले पाँच साल में या चार साल में कितना अच्छा होना चाहिए उसकी पोजीशन क्या होनी चाहिए कितनी उसमें फंक्शनलिटीज ऐड होनी चाहिए ये इंसेप्शन फ़ेज़ में हम इस क्वेश्चन का एड्रेस करते हैं इज़ इट फिज़िबल फिजिबल का मतलब है क्या ये बनाया जा सकता है अगर बनाया जा सकता है तो क्या ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रॉफिटेबल होगा अगर ये प्रॉफिटेबल नहीं है और बनाया जा सकता है तो तब भी हम इंसेप्शन फेज के अंदर ही उसको रिजेक्ट कर देते हैं बाय एंड और बिल्ड क्या आपसे बना बनाया प्रोजेक्ट लिया जाएगा या आप जो है उसको स्क्रैच uh, लेवल uh, से जो है उसको बनाएंगे इसके अलावा हम एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाते हैं जिसको कहते हैं रफ एस्टिमेशन ऑफ कोस्ट ऑफ कोस्ट तो कॉस्ट जो है हम एक रफ एस्टीमेट लगा लेते हैं कि जो हम सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं उनको जो है उसकी एस्टीमेशन हम एक रफ सी लगा लेते हैं कि ये जो सॉफ्टवेयर है वो हम जो बनाने जा रहे हैं इसका रफ़ सी इतनी कॉस्ट आ सकती है अगर वो फिजिबल होगी तो तभी जो है वो हम उसको स्टार्ट करेंगे शुड वी प्रोसीड और स्टॉप क्या हमें इसको स्टार्ट कर देना चाहिए या फौरी तौर पे इसको स्टॉप कर देना चाहिए द इंटेंट इज़ टू इस्टेब्लिश इनिशियल कॉमन विजन फॉर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट डिटर्मिन इफ इट इज़ फिजिबल एंड डिसाइड इफ इट इज़ वर्थ सम सीरियस इन्वेस्टिगेशन इन एलेबोरेशन तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हम फौरी तौर पर तो अपने सॉफ्टवेयर को uh, के बनाने के डिसीजंस को हम जो है वो आ, फौरी तौर पर तो इम्प्लीमेंट तो नहीं करते तो इंसेप्शन फ़ेज़ में हम इसको ये डिसाइड करते हैं कि ये हमने इस सॉफ्टवेयर को बनाना है या आगे एलेबोरेशन फ़ेज़ में लेके जाना है यानी कि ये इंसेप्शन फ़ेज़ में ही हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि क्या हमने एलेबोरेशन फ़ेज़ में जाना है या हमने इसको स्टॉप कर देना है वट आर आर्टिफेक्ट्स मे स्टार्ट इन द इंसेप्शन कौन कौन से ऐसे आर्टिफैक्ट्स हैं जो कि इंसेप्शन फेज में हम जो है वो स्टार्ट करती हैं इसमें एक वर्ड आ गया है आर्टिफैक्ट का तो आर्टिफैक्ट का दो मीनिंग होती हैं एक आर्टिफैक्ट का मतलब होता है ऑब्जेक्ट क्रिएट बाय ह्यूमन के कोई भी ऐसे ऐसा ऑब्जेक्ट अगर कोई कोई चीज़ अगर ह्यूमन बनाता है तो उसको भी आर्टिफैक्ट कहते हैं ये दूसरी इसकी मीनिंग है साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के साइंटिफिकली जो है आ, वो किस तरीके से हम किसी चीज़ को एग्जामिन करते हैं तो आर्टिफैक्ट के फिर दो मीनिंग्स हो गए उसमें से जो पहली मीनिंग है साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की वो इसमें एप्लीकेबल है सबसे पहले विजन एंड बिजनेस केस डिस्क्राइब हाई लेवल ऑफ गोल्स एंड कंस्ट्रेंट कंस्ट्रेंट का मतलब है कौन कौन सी रिकावटें हैं हमारे पास कौन कौन सी लिमिटेशंस हैं तो हम विज़न बनाते हैं और बिजनेस के का जो भी विज़न है वो हम बनाते हैं विजन का मतलब होता है कि हम इस सॉफ्टवेयर को कितनी देर में बनाएंगे और इस सॉफ्टवेयर को अगले दो या तीन साल में हम कहाँ पर देखते हैं इसको हम विज़न बोलते हैं फिर हम इंसेप्शन फेज के अंदर हम यूज़ केस मॉडल बनाते हैं तो यूज़ केस मॉडल अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम बनाना सीखेंगे उससे पहले हमारा जो है वो यूज़ केसेस बने होने चाहिए तो यूज़ केसेस हमने चूंकि लास्ट लेक्चर में डिटेल से देखा था उसी यूज़ केस का फिर हम आगे यूज केस मॉडल बनाएंगे सप्लीमेंट्री स्पेसिफिकेशन सप्लीमेंट्री स्पेसिफिकेशन का मतलब है डिस्क्राइब अदर रिक्वायरमेंट्स इनके अलावा हमारे पास तो दो रिक्वायरमेंट्स हैं टाइप की रिक्वायरमेंट है एक हमने फंक्शनल रिक्वायरमेंट पढ़ी हुई है एक नॉन फंक्शनल पढ़ी हुई है तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट में तो हमारे पास ऐसे तमाम रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिस जो कि हमने आपके सिस्टम ने प्रोवाइड करनी होती उसको है उसको फंक्शनल रिक्वायरमेंट कहते हैं नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट हमने डिस्कस की थी ऐसी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो आपसे आपके क्वालिटी से रिलेटेड होती हैं तो यूज़ केस मॉडल में या यूज़ केस राइटिंग में ये दो रिक्वायरमेंट्स तो अवेलेबल होती हैं कुछ इसके अलावा भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिसको हम कहते हैं सप्लीमेंट्री रिक्वायरमेंट्स हमने उसमें अगर हम अपने जो लास्ट लेक्चर है उसमें देखें हमारे पास एक स्पेशल रिक्वायरमेंट भी थी जो हमने लास्ट में ये हमारी स्पेशल रिक्वायरमेंट थी कि जी टच स्क्रीन होनी चाहिए इसके अलावा हमारे पास फॉर uh, एग्ज़ाम्पल एक स्कैनर होना चाहिए जिसके थ्रू जो है वो हमारे सिस्टम में इनपुट हो तो इस तरह की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं ना तो वो फंक्शनल रिक्वायरमेंट होती हैं ना नॉन फंक्शनल होती हैं वो तो एक एक्सटर्नल अलहदा से रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसको हम सप्लीमेंट्री रिक्वायरमेंट्स बोलते हैं ग्लॉसरी ग्लॉसरी का मतलब होता है की डोमेन टर्मिनोलॉजी रिस्क लिस्ट एंड रिस्क मैनेजमेंट प्लान डिस्क्राइब द बिजनेस टेक्निकल रिसोर्स एंड स्कैजल रिस्क एंड आइडियाज़ फॉर देयर मिटिगेशन और रिस्पॉन्स तो अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास एक रिस्क की लिस्ट भी आ जाती है कि क्या क्या हमारे पास कंस्ट्रेंट्स हैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये प्रोजेक्ट जो है वो सी शाप में बनना है तो सी शाप से रिलेटेड आपके पास रिसोर्स हैं और कितने रिसोर्स हैं और अगर हमें कॉस्टली रिसोर्स पड़ता है तो फिर हमारे प्रोजेक्ट के जो आ, जो बजट है वो बढ़ जाएगा इसके अलावा अगर हमारे पास रिसोर्सेज कम है प्रोग्रामर्स कम है तो इसका मतलब है कि हमें ज़्यादा टाइम लगेगा हमारी जो स्केजुलिंग है वो डिले हो जाएगी तो आ, हमारा ये जो इंसेप्शन फ़ेज़ हुआ इस इंसेप्शन फ़ेज़ के अंदर हमने क्या क्या चीज़ें करनी है इसमें हमने विज़न देखना है हमने डिफरेंट क्वेश्चन के को एड्रेस करना है फिजिबिलिटी देखनी है यहीं पे हमने डिसाइड करना है कि क्या हमने इस सॉफ़्टवेयर को इम्प्लीमेंट करना है या नहीं करना या हमने एलेबोरेशन फ़ेज़ में जाना है कि नहीं जाना इसके अलावा हमारे पास जो है हमने आर्टिफैक्ट्स की ये जो लिस्ट है वो बनानी है उसके बाद हमारा ये जो इंसेप्शन फ़ेज़ है जो है वो हम उसको प्रोसीड करेंगे इसके अलावा हमारे पास Uh, जो है आर्टिफैक्ट्स इंसेप्शन uh, में प्रोटोटाइप्स भी हम इसी फेज में करेंगे अगर हमें ज़रूरत है और प्रोटोटाइप हमने ये कहा था कि प्रोटोटाइप ये होती है कि आप एक डमी मॉड्यूल बना लेते हैं कस्टमर्स को दिखाते रहते हैं अगर रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा चेंज होने वाली हैं या एम्बिगुस हैं तो वो भी मॉडल इसी इंसेप्शन फ़ेज़ में ही बनेगा इसके अलावा आइट्रेशन प्लान जो है वो भी इसी फेज़ में बनेगा आइट्रेशन प्लान ये होता है कि आपका सॉफ्टवेयर कितनी आइट्रेसन में डिलीवर किया जाएगा यानी कि अगर आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं और आपकी ट्वेंटी रिक्वायरमेंट्स हैं तो फ़ौरी तौर पर ट्वेंटी रिक्वायरमेंट्स तो आप फौरी तौर पर जो है वो डिलीवर नहीं कर सकते तो जाहिर है फिर आप उनमें से पांच रिक्वायरमेंट्स या छह रिक्वायरमेंट्स सबसे पहले डिलीवर करेंगे तो वो पहले ही आइट्रेशन हो जाएगी फिर अगर मज़ीद आप पाँच रिक्वायरमेंट्स को जो है वो अगर आप डिलीवर करते हैं तो वो हमारी सेकेंड आइट्रेशन हो जाएगी फेस प्लान एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्लान गैस फॉर एबोरेशन फेज ड्यूरिंग ड्यूरेशन टूल्स पीपल एजुकेशन एंड अदर रिसोर्स अब जो हमारे पास जो जो चीज़ें एबोरेशन फेज़ में हम समझते हैं कि होनी चाहिए वो हमने इंसेप्शन फ़ेज़ के अंदर ही डिसाइड कर लेनी है कि एलाबोरेशन फेज में ये ये चीज़ें होनी चाहिए इसके अलावा डेवलपमेंट केस डिस्क्राइबिंग ऑफ कस्टमाइज यू पी स्टेप्स एंड आर्टिफैक्ट्स फॉर दिस प्रोजेक्ट कस्टमाइज का मतलब ये होता है कि हमारे प्रोजेक्ट के लिहाज से हमारे पास जो हम सॉफ्टवेयर बनने के लिए आया है उसके क्या कस्टमाइज जो है वो हमें चीज़ें चाहिए ज़रूरी नहीं कि हमने यूनिफाइड प्रोसेस जो है उसकी सारी चीज़ों को आर्टिफैक्ट्स को जो है वो हम इम्प्लीमेंट करें हो सकता है हमारा प्रोजेक्ट की जो स्ट्रेंथ है वो कम है अगर उसकी जो आ, जो उसकी आ, हमारी डिमांड है अगर वो कम है कम फंक्शनैलिटी है तो हम कम चीज़ें उसमें इम्प्लीमेंट करेंगे डेवलपमेंट केस डिस्क्रिप्शन ऑफ द कस्टमाइज यू पी स्टेप्स एंड आर्टिफेक्ट्स फॉर दिस प्रोजेक्ट तो हमारी डेवलपमेंट की जो चीज़ें हैं वो भी इसी फेज में जो है वो हम डिसाइड कर लेंगे तो हमारे पास हमारे पास इंसेप्शन आ गया इंसेप्शन में हमारे पास काफ़ी पेपर वर्क करने के लिए होता है क्योंकि अगर हम अच्छे तरीके से इंसेप्शन फ़ेज को कर लें तो एबोरेशन और कोडिंग के फेजिज़ में हमारी टाइमिंग कम लगती है सबसे ज़्यादा टाइमिंग इंसेप्शन फ़ेज़ में लगती है और हमारी जो है, है मेंटेनेंस पे लगती है तो ये दो ऐसे फेजेस होते हैं जिसमें टाइमिंग ज़्यादा लगती है और अगर आप टाइम अच्छे तरीके से अगर आप इसमें लगा लेते हैं तो हमारी ये बाकी जो फेजेस हैं वो हमारे जो है कम टाइम उसमें कंज्यूम होगा अब नेक्स्ट हम स्टूडेंट्स करने जा रहे हैं हमारे पास जो है यूज़ केस डायग्राम यूज़ केस डायग्राम हम क्यों बनाते हैं और इसके कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो कि हम आ, जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं अगर लास्ट लेक्चर देखें तो हमारे पास लास्ट लेक्चर में हमारे पास जो आ, एक सक्सेसफुल सिनेरियो था ये सक्सेसफुल सिनेरियो है जिसमें हम एक कस्टमर आता है पॉइंट ऑफ सेल के ऊपर अपने प्रोडक्ट्स को परचेज करता है कैशियर नई सेल स्टार्ट करता है ये लास्ट लास्ट लेक्चर में हम कर चुके हुए हैं कैशियर अपने प्रोडक्ट uh, का आइडेंटिफायर उसमें एंटर करता है सिस्टम सेल uh, को रिकॉर्ड करता है और प्राइस की डिस्क्रिप्शन और टोटल सामने डिस्प्ले हो जाता है उसके बाद जो है वो सिस्टम जो है टैक्सेस के साथ कैलकुलेट करके एक रिसिप्ट जनरेट कर देता है तो रिसिप्ट से पहले कैशियर आपसे पूछता है कि जी इतना टोटल बना है तो मैं इसको कमिट कर दूं तो आपकी परमिशन से फिर उस सेल को कमिट कर दिया जाता है ओके okay कर दिया जाता है उसके बाद जो है कस्टमर जो है वो उसके अगेंस्ट जो है वो पेमेंट करता है और अपने प्रोडक्ट को ले लेता है तो ये हमारे पास एक सक्सेसफुल सिनेरियो है जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था अब हम इसकी डायग्राम बनाने जा रहे हैं और अगर आप गौर से देखें तो हमारे पास जो है हमने जो यूज़ केस बनाया था वो प्रोसेस सेल का था इसके अलावा हमारी हमारे सॉफ्टवेयर में सिर्फ एक ही यूज़ केस नहीं होता इससे ज़्यादा होते हैं जैसे हैंडल रिटर्न्स हो गई ये एक और यूज़ केस है एक और यूज़ केस हो गया प्रोसेस रेंटल का तो अभी हमने तो सिर्फ यही यूज़ केस जो है वो डिस्कस किया है तो इसकी हम यूज़ केस डायग्राम बनाते हैं तो हमारे पास ये एक सिस्टम है इस सिस्टम का नाम हमने नेक्स्ट जनरेशन सिस्टम रखा हुआ है इस बुक में नेक्स्ट जनरेशन का एक पूरी केस स्टडी है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं आ, उसमें और भी प्रोसेसेस हैं हमने सिर्फ अभी प्रोसेस को, सेल को हमने डिटेल से देखा है इस डायग्राम में डिफरेंट आपके पास एक्टर्स नज़र आ रहे हैं जैसे हमारे पास है जी हमारे पास ये कैशियर है कैशियर हमारा प्राइमरी एक्टर है और जो प्राइमरी एक्टर होता है वो हमें कैसे पता लगता है वो पर्सन जो के सिस्टम के साथ इंटरैक्ट करता है उसको हम प्राइमरी एक्टर कहते हैं और ये जो प्राइमरी एक्टर होता है वो हमेशा लेफ़्ट साइड पे आता है इसके अलावा हमारे पास जो है वो दूसरे एक्टर्स भी होते हैं सेकेंडरी एक्टर या सपोर्टिंग एक्टर उसको कहते हैं उसको राइट साइड पे हम डिस्प्ले करते हैं जैसे राइट साइड पे हमने लिखा हुआ है कि जी पेमेंट ऑथोराइजेशन कोई सर्विस है और जो है ये हमारा एक सपोर्टिंग जो है वो एक्टर है क्योंकि जब कस्टमर अपनी पेमेंट जो है वो थ्रू वीजा कार्ड के या मास्टर कार्ड के करता है तो उस कार्ड को स्वाइप करवाया जाता है जैसे ही स्वाइप होता है तो थर्ड पार्टी पेमेंट सिस्टम की तरफ वेरिफिकेशन के लिए जो है वो सिग्नल भेजे जाते हैं वो जो सिग्नल्स होते हैं वो वेरीफाई करते हैं कि ये ये जो है ये कार्ड जो है एक वैलिड अकाउंट को जो है वो कॉरेस्पॉन्ड करता है और इसके अकाउंट में पेमेंट भी है तो इस सेल को जो है वो अलाउ कर दिया जाए तो हमारे पास फिर ये एक और एक्टर हो गया जिसको सपोर्टिंग एक्टर हो गए कह कह देते हैं इसके अलावा गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशंस होते हैं जैसे टैक्स कैलकुलेशन करना है तो वो भी हमारे सिस्टम के साथ जो है वो इंटरेक्ट कर रहे होते हैं तो ये एक और हमारे पास एक्टर आ गया तो इसको हम कहते हैं यूज़ केस डायाग्राम इस डायाग्राम की मदद से हमें फौरी तौर पे पता लग रहा है कि प्राइमरी एक्टर है वो किन किन प्रोसेसेस को जो है वो हैंडल कर रहा है किस प्रोसेस को वो इनिशिएट कर रहा है उसके सेकेंडरी एक्टर्स कौन से हैं बजाय के हम एक पूरी एक डायग्राम बनाने पूरी एक डॉक्यूमेंट को पढ़ने के बाद हमें पता लगे ये एक डायग्राम से हमें फ़ौरी तौर पे पता लग जाता है कि ये एक यूज़ केस डायग्राम है और हम उसको कुछ इस तरीके से जो है इसको बना सकते हैं अब हम जो है आ, हमारी जो नेक्स्ट जो आ जाती है फ्रॉम इंसेप्शन टू अलेबोरेशन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि हमने डिस्कस करनी है इम्प्लीमेंट अ बेसिक की सिनेरियो ऑफ द प्रोसेस सेल यूज केस एंट्रिंग आइटम्स एंड रिसीविंग अ कैश पेमेंट नो कलेबोरेशन विद द एक्सटर्नल डिवाइस सच एज टेक्स कैलकुलेट कैलकुलेटर ऑफ प्रोडक्ट डेटाबेस नो कॉम्प्लेक्स

तो अनिचली आइट्रेशन में जब आप अपने अपने सॉफ्टवेयर को डिलीवर करते हैं तो उसमें लिमिटेड फंक्शनैलिटी होती है जैसे आपका सॉफ्टवेयर कैश के ऊपर ट्रांजेक्शन करेगा लेकिन जैसे ही आप दूसरी आइट्रेशन या तीसरी आइट्रेशन में जाते हैं तो फिर आप अपने सिस्टम को इंट्रीग्रेट कर देते हैं किसी थर्ड पार्टी पेमेंट सिस्टम के साथ तो दूसरी आइट्रेशन में फिर आप ये फंक्शनैलिटी देते हैं लेकिन यूज़ केस ओवरऑल आपको एक पिक्चर बना बना के दे देता है कि आपके सॉफ्टवेयर ने अगले दो साल में तीन साल में ये ये फंक्शनलिटीज़ देनी है तो एक ही पिक्चर में आपको पता लग जाता है कि हमारे पास टोटल कितनी फंक्शनलिटीज़ हैं और एक ही पिक्चर में आप बता सकते हैं कि जी कैशियर जो है वो अनिशली फेज में प्रोसेस सेल करेगा या हैंडल रिटर्नस कर देगा और अगर दूसरी आइट्रेशन है तो दूसरी आइट्रेशन में वो प्रोसेस रेंटल का जो है वो प्रोसेस उसको जो है वो देखेगा इसके अलावा हमारे पास ये है जी ये हमने डिस्कस कर लिया है नॉट ऑल द रिक्वायरमेंट्स इन द प्रोसेस सेल यूज केस आर बीइंग हैंडल्ड इन आइट्रेशन वन ये हम डिस्कस कर, कर चुके हैं कि सारी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो पहले प्रोसेस में पहली आइट्रेशन में हम इम्प्लीमेंट नहीं करते इट इज़ कॉमन टू वर्क ऑन वेरिंग सैनैरियोज़ और फीचर्स ऑफ द सेम यूज़ केस ओवर सेवरल स्नैरियोज एंड ग्रेजुअली एक्सटेंडेड द सिस्टम टू अल्टीमेटली हैंडल ऑल द फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स ये ज़रूरी नहीं कि एक ही सिनेरियो के ऊपर हमारे पास फीचर्स आएँ एक आइट्रेशन में हम एक सिनेरियो लेते हैं या फिर दूसरी आइट्रेशन में हम दूसरे सिनेरियो की फंक्शनैलिटी इम्प्लीमेंट करते हैं ऑन द अदर हैंड शॉर्ट सिंपल यूज़ cases मे बी completed विद इन वन तो ये इसकी बात हम पहले ही कर चुके हुए हैं कि बहुत जो हमारे पास शॉर्ट simple यूज़ cases होती हैं उसकी उसकी सिंपल फंक्शनैलिटी जो है वो initially तौर पर जो है वो हम implement करते हैं अब आ जाते हैं हम सीक्वेंस diagram की तरफ अब हमारे पास हमने यूज केस भी लिख लिया यूज केस से हमें रिक्वायरमेंट्स का पता लग गया फिर हमने यूज केस डायग्राम बना ली तो यूज केस डायग्राम से हमें ये पता लग गया कि ओवरऑल हमारे सिस्टम की कितने प्रोसेस हैं उसके कितने एक्टर्स हैं यानी कि प्राइमरी एक्टर कौन सा है सेकेंडरी एक्टर कौन सा है प्राइमरी एक्टर हमने लेफ़्ट साइड पे कर दिया सपोर्टिंग एक्टर हमने राइट right साइड पे कर दिया तो अब हम अगली डायग्राम बनाने जा रहे हैं जिसको हम कहते हैं सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम। इट इज़ यूजफुल टू इन्वेस्टिगेट एंड डिफाइन द बिहेवियर ऑफ़ द सॉफ्टवेयर एज ए ब्लैक बॉक्स ब्लैक बॉक्स का मतलब ये होता है कि हमें सिर्फ इंटरफेस का पता होता है उसमें डिटेल से हम जो है वो फंक्शनैलिटी नहीं बताते सिस्टम बिहेवियर इज़ अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिस्टम डज इसमें इस, इस डायग्राम में इस जो हम आगे देखने जा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ सिस्टम के बिहेवियर को बताएगी ये बिहेवियर जो है सिस्टम का इसमें हम ये एक्सप्लेन नहीं करें कि वो किस तरीके से जो है वो इम्प्लीमेंट होगा यूज केसेस डिस्क्राइब हाउ द एक्सटर्नल एक्टर्स इंटरेक्ट विद द सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम ड्यूरिंग दिस इंटरेक्शन एंड एक्टर जनरेट्स द इवेंट्स तो यहाँ पर अब एक्सटर्नल एक्टर की बात आ गई तो बीइंग अ सिस्टम एक सिस्टम है उससे बाहर जो प्राइमरी एक्टर होगा वो यहाँ पर एक्सटर्नल एक्टर कहलाएगा ये आगे ए सीक्वेंस डायग्राम इज़ अ पिक्चर दैट शोज फॉर ए पर्टिकुलर सिनेरियो ऑफ ए यूज केस द इवेंट दैट एक्सटर्नल एक्टर जनरेट्स देयर ऑर्डर एंड पॉसिबल इंटर सिस्टम इवेंट्स तो अभी ये जो हम सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम से आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि इसमें डिफरेंट जो है वो इवेंट्स जनरेट होंगे वो हम अभी इसमें देख लेते हैं ये वही यूज़ केस है आ, जिसका मेन सक्सेसफुल सिनेरियो है जो हमने यहाँ पर किया था ये मेन सक्सेसफुल सिनेरियो है कस्टमर आता है पॉइंट ऑफ सेल पे प्रोडक्ट को लेके वही चीज़ यहाँ पर इम्प्लीमेंट की हुई है कि पहले पॉइंट पे क्या होता है दूसरे पॉइंट पे क्या होता है तीसरे पॉइंट पे क्या होता है ये हमारा सिस्टम है इस सिस्टम ने क्या रिस्पॉन्स करना है इस कैशियर को ये हमारा वैसे तो प्राइमरी एक्टर है लेकिन सिस्टम के परस्पेक्टिव से ये एक्सटर्नल एक्टर है हमारे लिहाज से ये प्राइमरी एक्टर है क्योंकि ये सिस्टम के साथ इंटरैक्ट करता है तो कैशियर क्या करेगा मेक न्यू सेल अब यहाँ पर नेमिंग कन्वेंशन देख लें एम स्मॉल लेटर्स में है अब यहाँ पर देखें दूसरा वर्ड है उसका उसका जो है पहला वर्ड वो कैपिटल में है और ये तीसरा वर्ड जो है वो सेल का है बेसिकली सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम जो है वो बेसिकली आइडेंटिफाई करेगी कि आपके सिस्टम में कितने फंक्शंस होंगे या मेथड्स होंगे और उनके नेम्स क्या होंगे तो कैशियर क्या करेगा सबसे पहले एक सेल स्टार्ट करेगा तो सिस्टम क्या रिस्पॉन्स करेगा सिस्टम मेक न्यू सेल के बाद वो क्या करेगा एड लाइन आइटम्स अब ये भी एक फंक्शन बन गया है आइटम का वो आईडी देता है कितनी क्वांटिटी का है तो बेसिकली कैशियर ने दो इसके ऊपर एक्शन परफॉर्म किए इन दो एक्शन को परफॉर्म करने के बाद सिस्टम ने जो है वो रिस्पॉन्स किया अगर आप देखें ये डॉटेड लाइन डिस्क्राइब करती हैं कि सिस्टम जो है वो क्या रिस्पॉन्स कर रहा है और यहाँ पर एक बॉक्स भी आपको नज़र आ रहा है बॉक्स का मतलब है कि यह चीज़ रिपीट हो सकती है क्योंकि ये एक आइटम भी हो सकती है एक से ज़्यादा भी हो सकती है, क्योंकि हर आइटम के अगेंस्ट उसका एक आईडी होता है और उसकी क्वांटिटी होती है और उसके अगेंस्ट सिस्टम ने फौरी तौर पे उसकी डिस्क्रिप्शन और टोटल शो करवाना होता है अगर एक आइटम करेगा तो ये एक दफ़ा दिखाएगा अगर दूसरा आइटम उसमें ऐड करेगा तो वो दूसरे के मुताबिक भी डिस्क्रिप्शन और टोटल देगा तो एक या एक से ज़्यादा आइटम्स यहाँ पर हो सकती हैं तो इसलिए यहाँ बॉक्स जो है वो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है उसके बाद कैशियर क्या करेगा एंड सेल कर देगा उसके बाद सिस्टम क्या जनरेट करेगा कि टोटल विद टैक्सेस तो वो टोटल बना के जो है वो हमें रिसिप्ट जनरेट कर देगा या हमें टोटल दिखाएगा कैशियर उसको कमिट करेगा कि जी इतनी अमाउंट जो है वो मैंने कस्टमर से रिसीव की है आपने कई दफ़ा देखा होगा कि कस्टमर अगर वन थाउजेंड देता है तो जो कैशियर है या कंप्यूटर पे बैठा हुआ है वो वन थाउजेंड एंटर करता है तो सिस्टम ही बता देता है कि वन थाउजेंड इसने एंटर किया है सेवन हंड्रेड की सेल है तो थ्री हंड्रेड हमने वापस करने हैं तो सिस्टम क्या करेगा रिसीट जनरेट करेगा और कितने वापस चार्जेस करने हैं उसकी डिटेल दे देगा तो स्टूडेंट्स आपने ये देखा कि कैशियर जो है जो प्राइमरी एक्टर है वो सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर रहा है और सिस्टम जो है उसको रिस्पॉन्ड कर रहा है सिस्टम यहाँ पर इस वक्त ब्लैक बॉक्स है और इसके अंदर अभी हमने इस डिटेल में नहीं गए कि ये कैसे करेगा लेकिन हमने यहाँ से आइडेंटिफाई कर लिया कि हमारे सॉफ्टवेयर में कौन कौन से फंक्शंस होंगे और उनके नेम्स क्या होंगे ये अब हमने आगे जाके इम्प्लीमेंट करने हैं तो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिली हैं ये हमें यूज केस से मिली हैं और यूज केस हमने कहाँ से देखा है हमने वहाँ का सिनेरियो देखा है जहाँ पर हमने सॉफ्टवेयर की जो है वो डेवलपमेंट करनी है तो स्टूडेंट्स आज हमने जो है वो तीन चीज़ें डिस्कस की यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज को स्टार्ट किया हमने ये डिस्कस किया कि यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज की क्यों ज़रूरत पेश आई दूसरी चीज़ हमने यूज़ केस मॉडल बनाया और तीसरी चीज़ हमने देखी कि सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम जो है वो किस तरीके से बनती है तो अगर सिस्टम के बिहेवियर की बात करें तो ये सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम सिस्टम के बिहेवियर को शो करती है इससे हमें सिस्टम में कितने फंक्शंस होंगे एक पर्टिकुलर सिनेरियो में उसको आइडेंटिफाई करने में उसको इम्प्लीमेंट करने में ये सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम जो है वो हेल्प आउट करेगी तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही टेक केयर अल्लाह हाफिज